हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू फ्लेवर्ड विद लव बाय प्रियंका। आज एक ऑफ डे है घर में सभी का, पूरी फैमिली का, और हमने सोचा इतनी गर्मी हो रही है तो एक अच्छी सी जगह पर बीच पिकनिक करके आते हैं। वैसे भी यहाँ पर हमारे आसपास ना इतना अच्छा नेचर है और बहुत सारे नेशनल पार्क्स हैं जिनमें लेक्स भी हैं, और यहाँ पर समुंदर तो नहीं है लेकिन लेक्स को ही बीच बना रखा है। कुछ मैन मेड भी हैं और कुछ नेचुरल भी हैं, तो उन्हीं में से एक आज हमने ढूँढा और सोचा कि आज हम वहाँ पिकनिक करके आते हैं। तो मैं बस वही पिकनिक के लिए पिकनिक रेडी कर रही हूँ, और साथ ही आज मैंने अपने विंडो सिल प्लांटर्स को पानी भी दिया था। तो 3 से 4 दिन में एक बार मैं उन्हें इस तरह से डिप करके रख देती हूँ पानी के अंदर। ये कच्ची मिट्टी वाले प्लांटर्स हैं, ये मैंने डॉलर ट्री से लिए थे एक्चुअली, और ये ना बहुत पानी सोक करते हैं, ये अच्छे से बने नहीं हुए शायद, तो ये बहुत जल्दी पूरा ना मिट्टी का पानी भी सोक कर लेते, इसलिए मैं इन्हें अच्छे से डिप करके डीप वाटरिंग करती हूँ ताकि ये 3 दिन तक चल जाता है और पौधा एकदम हाइड्रेटेड रहता है, सूखता नहीं है। वैसे भी काफ़ी समर्स हैं तो इस तरह से मैं इन्हें पानी देना पसंद करती हूँ। सिंक में ही डिप कर देती हूँ, और पानी देने के बाद एक बार मैं प्लांटर्स को भी वॉश कर देती हूँ और पौधों के पत्तों को भी वॉश कर देती हूँ। इस तरह से इनमें मिट्टी भी नहीं लगती और ये साफ़ भी रहते हैं। पौधों को थोड़े थोड़े दिनों में इस तरह से नहला दिया जाए ना तो उन्हें अच्छा लगता है, नेचुरल बारिश वाला फील आता है और ग्रोथ भी अच्छी होती है, फोटोसिंथेसिस भी अच्छे से होता है अगर पौधों के पत्ते साफ रहे तो। सुबह बस आज अभी चाय वाय ही हुई है, आज हम लेजी हमारा वीकेंड मना रहे हैं पूरा का पूरा। आराम से उठे सुबह, बच्चे आराम से उठे, मैं और हस्बैंड आज एक अच्छी सी वॉक करके आए, उसके बाद हमने बैठकर इकट्ठे चाय पी, और उसके बाद जब बच्चे उठे तो बच्चों का भी मिल्क वगैरह हुआ। मैं उसी चीज़ों के बर्तन जो है डिश वॉशर में लगा रही हूँ क्योंकि आज पिकनिक पे जाना है तो भाई किचन गंदी तो छोड़ के जा नहीं सकते, शाम को आएंगे तो खुद ही संभालना है। जब आपको पता होता है ना कि करने वाले आप ही हो तो आप अपने हिसाब से काम फटाफट से मैनेज कर लेते हो। व्हेन यू नो नोबडी इज गोइंग टू कम टू हेल्प यू अराउंड, खुद ही सब कुछ इजीली मैनेज हो जाता है, आप हैबिट में आ जाता है आपका ये सारा काम करना। और साथ ही साथ ही मुझे क्लीनिंग करने की आदत है विच इज़ रियली हेल्पफुल, ज़्यादा काम फिर एक साथ इकट्ठा नहीं होता है। और अभी सुबह चाय का ही ये सब है जो मैं बर्तन फटाफट से धो के डिशवॉशर वाले डिशवॉशर में लगा रही हूँ, और हैंड वॉश करने वाले बर्तनों को मैं हैंड वॉश भी साथ के साथ ही कर दूँगी। पिकनिक पर ले जाने के लिए मैंने सोचा आज मैं व्हाइट सॉस पास्ता बनाऊंगी और हम वही थोड़ा थोड़ा ब्रेकफास्ट में भी खा लेंगे, और पिकनिक में इजी फूड की तरह वो पैक भी हो जाएगा, और स्पेशली बच्चों के साथ भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। पास्ता तो सबको पसंद ही है तो वो फटाफट से खा लेंगे एंड वी ऑल विल बी एबल टू एंजॉय आवर पिकनिक। यहाँ मैंने पास्ता बॉईल किया है और साथ में ना कुछ वेजिटेबल्स को मैंने फ्राई किया, गार्लिक, अनियन, मिक्स्ड कलर्स, बेल पेपर्स और मशरूम्स भी हैं आज इसमें, साथ में नमक, ब्लैक पेपर पाउडर, रेड चिली फ्लेक्स डाले हैं, थोड़ी पिज़्ज़ा सीजनिंग और मिक्स्ड हर्ब्स। अब ये सब फ्राई हो गया है और अभी मेरा पास्ता ही बॉयल नहीं हुआ था इसलिए मैंने बीच में गैस बंद कर दी थी और अब फिर से जलाई है। अब इसमें चीज़ सॉस मेरे पास थोड़ी सी बनी हुई रखी हुई थी, मैंने इस वीक टिफिन में बच्चों को दी थी चीज़ सॉस गार्लिक नॉट्स के साथ, तो मैंने वो चीज़ सॉस डाल दी है, उसी बोल में 1 कप जितना मिल्क डाल के डाल दिया है, और अब मैं 3/4 कप इसमें डाल रही हूँ पास्ता का पानी। पास्ता का पानी पास्ता को बहुत अच्छा टेक्सचर देता है तो नेवर मिस दैट, ज़रूर डालना चाहिए, ये ऑथेंटिक वे है पास्ता को बनाने की। आपने मेरे मुँह से पहले भी सुना ही होगा डेफिनेटली अगर आप मेरे वीडियोज़ देखते हो तो। साथ ही मैं इसमें थोड़ी सी
माइल्ड चेदार चीज़ जो है ग्रेट करके डाल रही हूँ। और चीज़ को ना ग्रेटेड लेना मैंने काफ़ी टाइम से बंद कर दिया है, क्योंकि उसमें काफ़ी सेल्यूलोज और एडिशनल चीज़ें एडेड होती हैं ताकि चीज़ क्लब ना होए, वो ड्राई रहे, एंटी केकिंग एजेंट्स वगैरह होते हैं, इसलिए ग्रेटेड चीज़ लेने का कोई फ़ायदा ही नहीं लगता मुझे। मैं भी अब कॉस्टको से बड़ा ब्लॉक लाती हूँ, उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ और चारों पार्ट्स को इस तरह से अलग अलग फॉइल में लपेटती हूँ, और फिर उन चारों के चारों को एक जिप पाउच में डालकर उस जिप पाउच को मैं फ्रीजर में रखती हूँ ताकि वो 1 किलो का भी चीज़ का पाउच मेरा अगर 3-4 महीने भी चले तो खराब नहीं होता। देखिए इस तरह से अलग अलग पोर्शंस में मैंने इनको फॉइल में लपेटा हुआ है और फिर फ्रीजर में रखूँगी। ये पास्ता की बहुत टेस्टी सॉस बन के तैयार है और अब मैंने इसमें थोड़ा सा पार्मेजान और डाला है थोड़े से एडेड डीप फ्लेवर के लिए, और बस फिर सॉस पूरी बन गई थी, फिर बस इसमें बॉइल्ड पास्ता डालना है एंड रेडी। पार्मेजान आई गेस मैं लास्ट में डालूंगी, मैंने बोल पहले दिया है बट डाला पास्ता के बाद था, यू विल सी। ब्रेकफास्ट में हम इस पास्ता के साथ ना क्रोसॉन लाए थे इस बार कॉस्टको से। मैंने बहुत तारीफ सुनी है कॉस्टको के क्रोसॉन की और हम फर्स्ट टाइम लेकर आए और काफ़ी टेस्टी थे। आपको तो पता ही है मैं ज़्यादा मार्केट की ब्रेड ब्रेड लेती नहीं हूँ, लेकिन इस बार हमने सोचा ट्राई करते हैं। अब US आए, इतने महीने हो गए और एक बार भी नहीं खाई समथिंग विच इज़ बेस्ट सेलिंग, तो आज हमने नाश्ते में क्रोसॉन और थोड़ा थोड़ा पास्ता खाया और ये डिलीशियस सा पास्ता बन के रेडी है। उसके बाद मैं किचन का क्लीन अप कर रही हूँ, ये पौधों का जो पानी है पूरा ड्रिप हो गया था, उसके बाद मैं इन्हें फिर से विंडो सिल पे लगा दूंगी। इस साल मैंने सोचा तो था कि मैं विंडो सिल पे ना स्पाइस गार्डन बनाऊंगी, छोटा सा स्पाइस नहीं हर्ब्स गार्डन, लेकिन हुआ क्या कि मैंने बहुत जल्दी गार्डनिंग प्लानिंग शुरू कर दी थी तो मेरे सीड्स ना तब उतने उगे नहीं, और अब फिर मुझे लगता है मैंने यहाँ मनी प्लांट्स इतने अच्छे उगा दिए थे एंड दे आर ग्रोइंग गुड, तो मैं इनको बदल नहीं रही हूँ। मुझे ऐसे ही अच्छा लगने लग गया, अब मे बी हर्ब गार्डन विल कम इन सम टाइम। और मैंने सारा किचन क्लीन अप कर दिया है, वैसे भी आज ज़्यादा किचन गंदी हुई नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा कुकिंग भी नहीं हुई है किचन में, बस पास्ता ही बना था और चाय वाय, तो पिकनिक से पहले ज़्यादा काम करने का मन भी नहीं था। इट वॉज़ अ फन डे फॉर अस। के बाद मैंने सोचा क्योंकि इतनी गर्मी है और हम सोडा वगैरह बहुत अवॉइड करते हैं, अननेसेसरीली बिल्कुल नहीं लेते हैं मार्केट के ये शुगरी और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, तो मैं नींबू पानी बना के घर से लेके जा रही हूँ। मैंने 4 टेबलस्पून जितना मेपल सिरप डाला है, 1 लीटर पानी है, और ये जो बॉटल है ना ये आइकिया का है, काफ़ी यूज़फुल लगता है मुझे, बहुत अच्छा है, और मैं 4 बड़े नींबू का रस इसमें डाल रही हूँ। ये लाइम्स हैं एक्चुअली, मुझे दोनों का ही टेस्ट सेम लगता है, आप बताना क्या आपको क्या प्रेफरेबल है, लेमन या लाइम। साथ में थोड़ा सा काला नमक डाला है और बस बढ़िया सा रिफ्रेशिंग समर ड्रिंक बन के तैयार है। गार्डन से पुदीना लाकर भी डालना था लेकिन आज मैंने जल्दबाजी में नहीं डाला और फिर इस बॉटल में इस ड्रिंक को डाल दिया है, और हमने इसको कूलर में रख लिया था और फिर पिकनिक पे जाके एंजॉय किया, काफ़ी रिफ्रेशिंग और अच्छा लगा। और ये रही पूरी की पूरी पिकनिक, सारा फूड जो मैंने पैक किया था, काफ़ी गर्मी है इसलिए मैंने ये छोटे छोटे मैंडरिन्स भी रखे थे खाने के लिए, खीरे रखे हैं, ब्लैकबेरीज, ग्रेप्स, और सबके लिए पास्ता मैंने इंडिविजुअल बॉक्सेस में पैक किया था, और साथ में थोड़ी सी ये बार्स भी पैक की हैं, ये इस बार हम कॉस्टको से लेकर आए थे, ये काफ़ी अच्छी हैं टेस्ट में और इनमें बहुत कम जंक, बहुत कम नहीं, आई मीन दीज आर फ्री ऑफ जंक। ये जो फ्रूट बार्स है ना ये तो सिर्फ फ्रूट्स से ही बनी है, इनमें कुछ भी और नहीं है एडिड शुगर वगैरह, तो काफ़ी टेस्टी भी लगी एक्चुअली, बच्चों को भी अच्छी लगी, बड़ी बेटी तो शौक से ही खा रही है। तो फ्रूट्स वगैरह को रखने के लिए मैंने नीचे आइस पैक रख दिया है इस बैग में, और फिर फ्रूट्स के डब्बे डाल दिए और बार्स भी। पास्ता को अभी थोड़ा ठंडा करना था, इतना गरम गरम पैक करना फिजिबल नहीं है इसलिए मैंने सिर्फ अभी ढक्कन ऐसे रफली उसके ऊपर रख दिए हैं, और इसके बाद मैं तैयार होने चली गई थी, तैयार होके आके फिर मैंने पास्ता को बंद करके पैक किया था।
फिर हम फाइनली निकल पड़े और गर्मी तो बहुत थी लेकिन ग्रीनरी भी बहुत अच्छी है और रास्ता भी बहुत अच्छा है, तो काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे, कहीं भी निकल जाओ। देखिए मैं आपको कुछ ग्लिम्पसेस दिखाती हूँ। लुक एट दैट ब्यूटी ऑफ नेचर, स्काई का कलर, ग्रीनरी का कलर, कितना अच्छा लग रहा है। घर से निकलते निकलते ही हमें काफी देर हो गई थी, एज इट वॉज अ रिलैक्सिंग डे एंड वी न्यू वी वर नॉट गोइंग सो फार, पास ही जाना था, तो हम आराम से निकले थे। तो जाते ही सबसे पहले हमने अपनी पिकनिक निकाल ली, एक जगह ढूंढकर पिकनिक टेबल निकाल कर हम बैठ गए और अपना फूड एंजॉय किया इस ब्यूटिफुल से व्यू के साथ। जस्ट लुक एट दैट। आधा अभी जाते ही और आधा बाद में, एक बार पानी में डिप वगैरह लेने के थोड़ी देर बाद। और अच्छा ही रहा, पूरा दिन अच्छे से स्पेंड हुआ। वी डिड नॉट हैव टू वरी टू गो समवेयर टू बाय फूड एंड आई वॉज रेस्ट अश्योर्ड कि बच्चे कुछ अच्छा ही खा रहे हैं, नो जंक। ब्लैंकेट डाल के सो गए थे एंड बच्चे वहाँ सैंड में थोड़ी देर खेलते रहे एंड आई वॉज जस्ट फिल्मिंग दिस फॉर यू ऑल। इट इज़ अ नाइस एंड क्वाइट प्लेस, काफ़ी शांति मिली, बहुत रिलैक्सिंग सा डे स्पेंड हुआ। एक्चुअली पता है इंडिया और यूएस में यही फ़र्क है, यहाँ पे लोग कम हैं और जगह ज़्यादा है, और हमारे यहाँ जगह कम है और लोग ज़्यादा हैं, अदरवाइज मुझे कोई फ़र्क नहीं दिखता एज सच। बस यहाँ नेचर इसीलिए बचा हुआ है क्योंकि बहुत जगह है इनके पास, आई मीन एरिया वाइज इनके पास बहुत जगह है, बहुत जगह है और उतने लोग नहीं है, तो इनका जो नेचर है वो अभी भी जिंदा है और काफी अच्छा लगता है यहाँ पर, जगहों पर, ऐसी जगहों पर जाकर। रोज की भागदौड़ के बाद सुबह से लेकर जो दिन चलता है वो रात को सीधे खत्म होता है, उसके बाद एक ऐसा दिन तो बनता ही है जिसमें पूरे महीने भर की थकान ही निकल जाए। पूरा रिलैक्सिंग सा दिन था एकदम। हेलो अगेन। तो दोस्तों मुझे ना रिसेंटली फेमी वर्ड्स ब्रांड की तरफ से ये कॉफ़ी मेकर रिसीव हुआ है और मैंने इसके फीचर्स पढ़े हैं, मुझे काफ़ी सही लग रहा है। अमेजन पे इसका प्राइस भी बहुत वैल्यू फॉर मनी है और मैं आपको इसको अनबॉक्स करके भी दिखाती हूँ, साथ ही साथ मैं आपको आई विल टेल यू अबाउट ऑल द फीचर्स दिस मशीन हैज़। इट कैन ब्रू बोथ, आपकी लूज कॉफी भी, जो ग्राउंड कॉफी होती है वो भी ब्रू कर सकती है, एज वेल एज इट हैज अ नाइस अटैचमेंट टू फिट इन द के पॉड्स, द के कप्स, इफ यू लाइक देम। वैसे अगर आप मेरा चैनल देखते हो तो अगेन जनहित में जारी सूचना, के पॉड्स ना, अगर आप इको फ्रेंडली वाले ले रहे हो, डिस्पो वो जो बायोडिग्रेडेबल वाले होते हैं तो बहुत अलग बात है, लेकिन जनरली दे कम इन अ थिन प्लास्टिक कप, तो वो जब हॉट वाटर के साथ मिक्स होता है तो अगेन यू नो दैट प्लास्टिक आपके खाने में लीच करेगा, वो आपकी बॉडी के अंदर जाएगा, माइक्रो प्लास्टिक्स, एंड इट्स नेवर गुड फॉर योर हेल्थ। तो के पॉड्स की बात तो मैं नहीं करूंगी, खैर ज्यादा हमें तो आज अपने फेमी वर्ड्स कॉफी मेकर को अनबॉक्स करना है, तो चलिए सबसे पहले इसे अनबॉक्स करते हैं, साथ ही साथ मैं आपको इसके सारे फीचर्स भी बताती ही जाऊंगी। So the best part about this coffee maker is its size. Actually there are many best things. तो इसका size भी काफ़ी अच्छा है, इसके साथ ये एक descaling powder आया है, वो जब ज़रूरत हो तो bottle को, jar को descale करने के लिए। साथ में इसके recipe booklet आई है और एक user manual, that is instructions only for using this product. और चलिए अब इसको अनबॉक्स करते हैं। काफ़ी lightweight machine है, compact सा size है और बहुत ही functional है,
है, इसको यूज करना भी काफी आसान है, विच आई एम गोइंग टू शो यू नाउ. जस्ट लुक एट द लुक्स ऑफ दिस ब्यूटिफुल मशीन. काफी मॉडर्न लुक है, छोटा सा साइज है. साथ में ये आया है एक केक कप होल्डर अटैचमेंट, जिसमें एक नीडल दिया हुआ है जो आपके केक कप को पियर्स करेगा सो दैट द कॉफी कैन कम आउट ऑफ इट. और साथ में ये जो ड्रिप ट्रे है, इसका ये कवर स्टील का है एंड देन इट हैज अ डीप सॉकेट टू फिट इन द एक्स्ट्रा ओवरफ्लोइंग कॉफी. और इसको निकाल कर आप जब कोई लार्ज मग रखें तो इसको निकाल कर भी यूज कर सकते हैं. ये वाला जो अटैचमेंट है, ये है ग्राउंड्स को यूज करने के लिए, फॉर यूजिंग कॉफी ग्राउंड्स. इसमें एक मैक्सिमम लेवल का मार्क दिया हुआ है. इट कैन फिट अप टू 1.1 ounce ऑफ कॉफी, विच इज इनफ फॉर मेकिंग 24 ounce ऑफ कॉफी, विच इज लाइक 4 to 5 cups ऑफ कॉफी. तो बटन्स जो हैं वो भी काफ़ी सिंपल हैं. पहले जार देख लेते हैं. बहुत इजी है इस जार को निकालना. यू लिटरली जस्ट हैव टू पुट दिस ओवर देयर एंड दिस विल फिट ऑटोमेटिकली. बहुत आसान है इसे फिट करना. और इसका जो कवर है वो भी, लिड भी इजीली एकदम रखने से ही हो जाता है सेट. और बाकी जो इसमें फंक्शंस हैं वो भी काफ़ी ईजी हैं. यहाँ पर साइज का एक बटन है जिसमें सारे मैंशनड हैं आप कितना ज़्यादा कॉफ़ी ब्रू करना चाहते हो. साथ में एक स्पेशल बटन है स्ट्रॉन्ग ब्रू के लिए या मीडियम या रेगुलर ब्रू के लिए. सिर्फ आपको 2 बटन प्रेस करने हैं, वेट करना है ओनली फॉर 90 seconds और ये आपका कॉफ़ी बनाकर तैयार कर देगी. सारे के सारे कप साइजेस इसमें इजीली फिट हो सकते हैं. आपका जो ट्रैवल मग होता है ना लार्ज वाला, वो भी आप ड्रिप ट्रे हटाकर इसमें फिट कर सकते हैं. अनबॉक्सिंग तो हो गई, अब भाई कॉफी मेकर आया तो घर में एक कॉफी कॉर्नर तो सेटअप होना ही चाहिए ना. एंड स्पेशली अभी ना फॉल और विंटर शुरू होने वाली है, तो फिर कॉफी को बनाना मेरे लिए इससे आसान हो जाएगा. आपको एक मजे की बात बताती हूँ दोस्तों. पता है अगर मुझसे कोई पूछता है ना कि आपको चाय पसंद है या कॉफी, तो पता है मेरा पेट आंसर क्या है हमेशा से? ओह, आई लव कॉफी, लेकिन चाय मेरी जरूरत है. बेसिकली मुझे दोनों ही बहुत पसंद है. बचपन से ही मैं ना बहुत छोटी थी तब भी मम्मी मना करती रहती थी, लेकिन मैं वो कॉफी वाली एकदम स्ट्रांग कॉफी फ्लेवर वाली कैंडीज भी बहुत खाती थी. मुझे बहुत अच्छी लगती थी और छोटे से ही मुझे कॉफी पीने की आदत लगी थी. और मुझसे लाइट कॉफी बिल्कुल नहीं पी जाती. आई एम अ स्ट्रांग कॉफी लवर, सो आई एम थैंकफुल दैट दिस मशीन हैज अ स्ट्रांग ब्रू बटन. आई थिंक दैट्स व्हाट गोइंग टू बी यूज्ड मोस्टली इन माई किचन प्रोबेबली. तो वैसे भी अब फॉल जल्दी आने वाला है, अगस्त तो जा ही रहा है, तो मैं कॉफी ठंड में पीना बहुत प्रेफर करती हूँ. लेट्स सी, चलिए अभी एक बढ़िया सा कोजी सा कॉफी कॉर्नर सेटअप करते हैं फॉर स्पेशली फॉर द कमिंग सीजन ऑफ फॉल एंड विंटर. तो दोस्तों मैंने सोचा है कि मैं कॉफी कॉर्नर सेटअप करती हूँ इस टेबल, इस साइड ऑफ काउंटर पे. उस साइड ऑफ काउंटर किचन का काफी बिजी रहता है ना खाना वाना बनाने में. और वैसे भी यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक ये हेल्दी स्नैक्स बार टाइप सेटअप किया ही हुआ है. अब मैं इसमें थोड़े से चेंजेस लाकर इसको बदलने वाली हूँ. पहले मैं आपको ऑलरेडी जो सेटअप है वो दिखाती हूँ, उसके बाद क्लीन अप करते हैं और फिर अपनी कॉफी मशीन के साथ कॉफी कॉर्नर सेट करते हैं. तो ऑलरेडी ये सेटअप है. यहाँ पर इन ब्यूटीफुल से जार्स में मैंने रखे हुए कुछ हेल्दी ड्राइड फ्रूट्स, फिग्स हैं, एप्रिकॉट्स हैं, डेट्स हैं, प्लम्स हैं, प्रून्स हैं और रेजिन्स हैं. यहाँ पर कुछ हेल्दी बार्स हैं और वैसे कैंडी वैंडी भी रखी हुई है मैंने बच्चों के लिए. आई कीप इट एट देयर आई लेवल, लेकिन बच्चों को रूल्स पता है सो दैट इज़ द बेस्ट. आई फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ अबंडेंस. मैं उनके सामने सब कुछ रखती हूँ. एक्चुअली मेरी मम्मा ने यही करा था हमारे साथ शुरू से ही. सब कुछ वो ला कर रख देती थी घर में एंड वी यूज टू नो वेन टू ईट वॉट. और इसमें जो है कुछ सीड्स हैं, हेल्दी स्नैक्स ही हैं. ये पूरा का पूरा स्नैक्स काउंटर है. तो अब इसको थोड़े से चेंजेस लाकर और भी बढ़िया कॉफी बार विद स्नैक्स काउंटर बना देते हैं. चलिए मेरे साथ. सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आई एम गोइंग टू क्लीन अप ऑल ऑफ दीस. कभी कभी ऐसे होते ही रहना चाहिए. मैं क्लीन कर करके ही यहाँ से हटाती जाऊंगी और उसके बाद नया सेटअप करूंगी.
मैं यहाँ पर कॉफी मेकर को इस ट्रे के ऊपर रख रही हूँ ताकि यूज करना आसान हो. एज यू कैन सी ऊपर एक कबर्ड है, तो जब कॉफी मेकर को कॉफी डालने के लिए ऊपर का ये अटैचमेंट खोलना होगा तो आई कैन सिंपली पुल आउट द ट्रे एंड ये एक अच्छे से पुल आउट की तरह काम करेगी, इसलिए मैं ट्रे में रख के रख रही हूँ. एक सिंपल सा क्लियर टेप लगाया है वायर को चिपकाने के लिए ताकि वो अगली ना दिखे. एंड आई एम ऑल्सो थिंकिंग कि मैं ना एक कुछ अच्छा सा बैकग्राउंड पे कोई बोर्ड या कॉफ़ी साइन कुछ लगा दूंगी ताकि ये जितनी वायर अभी दिख रही है ना वो भी हट जाए. कॉफ़ी ग्राउंड्स डाले हैं मैंने, ये दोनों जार्स आईकिया के हैं, कॉफ़ी ग्राउंड्स और शुगर रख दी है. साथ में थोड़े से स्टरिंग स्पून्स यहाँ रख रही हूँ इस क्यूट से मेसन जार में रख के. और अब यहाँ फॉल का सीजन शुरू हो गया ना तो ये पम्पकिन शेप में डेकोर हर जगह मिल रहा है. मैं भी एक आधा उठाई लाई. फिर ये ट्रिंकेट जार मुझे बड़ा अच्छा लगा, सिरामिक का है और मैंने सोचा इसको मैं यहाँ पर स्टाइल कर दी हूँ थोड़े से चॉकलेट्स रख के, फॉर एडिंग देम टू माई कॉफी व्हेनेवर आई एम फीलिंग फैंसी, राइट. तो मैंने थोड़े से हर्शीज वाले किसेस रखे हैं इस पम्पकिन जार में. और इस छोटी सी बास्केट में मैं यहाँ पर थोड़े से बार्स रख रही हूँ. एज आई टोल्ड यू ये स्नैक बार भी है और कॉफी बार भी है. और मुझे ना दोस्तों मैं सच्ची बताती हूँ, पहले मुझे ये हो गया था कि कुछ भी अनहेल्दी बाजार से लेना ही नहीं है, मैं सब कुछ घर में बनाने की कोशिश करती थी. अब टाइम बहुत कम मिलता है तो मैंने थोड़ी सी अपनी अप्रोच चेंज करनी शुरू की है. आई सर्च फॉर गुड थिंग्स, गुड ऑल्टरनेटिव्स. लाइक ये जो बार्स है ना इनमें कुछ भी जंक एडेड नहीं है, सो दीज आर गुड फॉर स्नैकिंग. ये मैंने कॉस्टको से ली हैं, काफ़ी अच्छे इनके इंग्रेडिएंट लिस्ट है. शुगर में भी कोकोनट शुगर इसमें यूज़ की हुई है तो मुझे दोनों ही अच्छे लगे इसलिए हम लेकर आए थे. ये स्नैक बार में मैंने रख दिए हैं, बाकी के हमारे रेगुलर स्नैक्स भी रख दिए हैं और ये हमारा कॉफ़ी कम स्नैक स्टेशन के रेडी है. आप बताना आपको कैसा लग रहा है, मुझे ज़रूर बताना कमेंट्स में. और आई स्ट्रांगली बिलीव कि जो आई साइड में आपके जब हेल्दी खाना होगा तो आप वही उठा के खाओगे, राइट. कुछ जंक नहीं रखा होगा तो. और ये प्यारा सा फ्लावर अरेंजमेंट आज मैंने गार्डन से कुछ फूल पत्ते लेकर बनाया है तो इसे भी यहाँ पर सजा दिया. ये सॉकेट को भी थोड़ा सा तो हाइड कर ही रहा है. चलिए अब बनाते हैं कॉफ़ी. मैंने यहाँ पर इसके जार में कंटेनर में पानी भर दिया है, पूरा का पूरा मैं मैक्सिमम लेवल तक भर रही हूँ, पूरा क्लियर इंडिकेशन है इसमें. एंड एज आई टोल्ड यू यू लिटरली जस्ट हैव टू पुट इट ओवर देयर, ये खुद ब खुद फिट हो जाता है. उसके बाद ये मैं कॉफ़ी ग्राउंड्स डाल रही हूँ थोड़े से, 1.5 टेबल स्पून मैं डाल रही हूँ. मैं मैक्सिमम अभी नहीं डाल रही बिकॉज आई एम मेकिंग ओनली 8 ounces ऑफ कॉफ़ी जस्ट फॉर मी एंड माई हस्बैंड. तो यहाँ पर इसे भी बस रखना ही है एंड इट इज़ डन, जस्ट पुश द लिड बैक. और उसके बाद हमें अपने हिसाब से चूज करना है, लाइक आई चूज 8 ounces एंड स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी. उसके बाद कुछ नहीं करना, बस यू जस्ट हैव टू सी. ये बहुत जल्दी प्रूव होके आपकी हॉट कॉफ़ी आने लग जाएगी इससे वेरी नाइसली. कॉफ़ी का टेम्परेचर जो है फ़ारेनहाइट में अप टू 180 डिग्रीज होता है विच इज़ ड्रिंकेबल. तो इसमें आप थोड़ा सा गर्म दूध मिलाएंगे, आई वुड प्रेफर गर्म दूध, लेकिन यहाँ के लोग तो सिर्फ क्रीमर मिलाते हैं, बट एज यू नो क्रीमर्स आर आर्टिफिशियल सो आई डोंट प्रेफर देम. दूध गर्म ही डालेंगे तो और अच्छी हॉट कॉफ़ी मिलेगी. आपको पता है दोस्तों ये जो कॉफ़ी मेकर है ना ये आइस कॉफ़ी भी बहुत अच्छी ब्रू करता है, ये थिक कॉफ़ी ब्रू करके देगा अगर आप इसके फंक्शन में डाल दोगे कि आइस्ड कॉफ़ी आपको बनानी है तो, ताकि आपकी जो कॉफ़ी है वो बाद में वाटरी ना हो जाए, तो ये थिक आपको ब्रू करके देगा. दिस इज़ सो स्मार्ट एंड कॉम्पैक्ट मशीन. कॉफ़ी काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्रू हुई थी एक्चुअली, और मुझे शक्ल से आपको लग रहा होगा कि लाइट है, मैंने थोड़ा सा दूध ज़्यादा डाल दिया, लेकिन कॉफ़ी ग्राउंड अगर आपके अच्छे होंगे ना देन यू विल गेट द फ्लेवर. मेरे पास थोड़े से कॉफ़ी बीन एंड टी लीफ ब्रांड के ये कॉफ़ी ग्राउंड्स थे और काफ़ी टेस्टी कॉफ़ी बनी थी और फटाफट ये बन गई थी. विद इन 90 seconds मेरी कॉफ़ी पूरी बन गई थी, काफ़ी अच्छी लगी मुझे ये मशीन. एक्चुअली जब टाइम ना हो तो बस सिंपली पानी डाल के यहाँ कप लगा दो एंड देन यू कैन एंजॉय योर कॉफी. ऑल इन ऑल दिस मशीन गेट्स अ थम्स अप फ्रॉम मी फॉर इट्स गुड लुक्स एंड क्विक फंक्शनैलिटी एंड परफेक्ट ब्रूइंग. I
होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसको मैं यहीं एंड कर रही हूँ। प्लीज डू गिव इट अ थम्स अप और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।